क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते। ये मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं तो हम लोग को तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ कौन लोग हैं, एक भी लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं। जब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं तो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर बयान दिया है, उसके बाद से बिहार की जो सियासत है वो तेज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ये कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, तेजस्वी का साथ छोड़ेंगे, महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का ये बयान सामने आया है, उसके बाद से जो जेडीयू है अब प्रशांत किशोर पर हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि जेडीयू के जो मंत्री हैं उनका बयान सामने आ रहा है, वहीं अब जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी का भी बयान सामने आ गया है। मदन सहनी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि बेरोजगारी बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी कीमत पर सीएम नीतीश कुमार नहीं जाने वाले हैं। देखिए किस तरीके से बयान दिया है प्रशांत किशोर के ऊपर जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने बाबू को इसलिए छोड़ रखा है कि बीजेपी से बातचीत करने का रास्ता बना रहे हैं। वो उनको अपने इरादा के बारे में बताना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते, और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जो युवाओं को ठगने का काम किया है, जो रोजगार छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हरिवंश को लेकर जो उन्होंने लगाया तो सही है तो नहीं है? बहुत सारे लोग अगर नहीं है यहाँ तो इसका मतलब यह थोड़े है कि उनको भाजपा में छोड़ दिया गया है काम करने के लिए। ये सरासर गलत आरोप है और इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध करते हैं। और प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं तो हम लोग को तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ कौन लोग हैं, एक भी लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और जब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं तो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। सर, आयोग पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है और बीजेपी का ये कहना है कि सरकार बैकफुट पर आ गई और वैसे लोगों को अध्यक्ष बनाया गया जिनका बाईपास सर्जरी हुआ। देखिए एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। हमारी सरकार निश्चित रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं और इस बात को तो इस मामले में भी साबित हो चुका है। कोर्ट का आदेश था कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट है उसको समान कोटि से चुनाव कराया जाए और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना और स्थगित कर दिया चुनाव को। और चुनाव और उसको कोर्ट के आदेश पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन भी कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा चाह रही है कि बिना अति पिछड़ा का चुनाव हो और मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि बिना अति पिछड़ा का चुनाव नहीं हो। तो यह तो बड़ा संदेश है, बड़ा निर्णय है, इसका पूरा बिहार के लोग, अति पिछड़ा के लोग स्वागत कर रहे हैं और हम लोग भी स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन हुआ है तो हम पूरा बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग उनको साधुवाद देते हैं। यही कह रही थी ना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए अपने फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।